हम जानते हैं कि अपना टोनी स्टार्क हमें कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश करता है और इसलिए वो अपने आयरन मैन सूट को भी अपग्रेड करता रहता है। लेकिन आप क्या जानते हैं कि उसने एक्चुअली में अवेंजर से कई अलग अलग पावर्स एंड एबिलिटीज को कॉपी किया है। टोनी ने अपने सुपर हीरो फ्रेंड से 4 सुपर पावर्स को कॉपी किया है। नंबर 1, थोर का हैमर। टोनी ने नोटिस किया कि थोर अपने हैमर को किसी भी कोने से अपने पास बुला सकता है और वो सीधे उड़ के उसके हाथ में भी आ जाता है। और हम देख सकते हैं कि अपने लेजेंड ने आयरन मैन 3 में इस चीज को एक सूट में अप्लाई करता है, जहां वो अपने सूट के अलग अलग पार्ट को अपने पास बुलाता है और वो सीधे उसके पास जाते हैं। उसने हल्क बस्टर बनाकर हल्क की स्ट्रेंथ को भी कॉपी किया है। वो जानता था कि हल्क पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए टोनी और ब्रूस ऐसा सूट डिजाइन करते हैं जो हल्क की ताकत का मुकाबला कर सके। सिविल वॉर में कैप्टन से पिटने के बाद टोनी ने उसकी शील्ड को भी कॉपी कर लिया, जिसे हम इन्फिनिटी वॉर में यूज करते हुए उसे देख सकते हैं। उसने थैनोस के गॉन्टलेट को भी कॉपी कर लिया। टोनी ने इसे इसलिए बनाया